इधर लिखा हुआ है 300 रुपये फीस, यानी 250 रुपये महीने की फीस, 50 रुपये एडमिशन के। अच्छा, और साथ में योगा और कार्डियो फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कराची का चांडियो जी, एक ब्रांड न्यू जिम के रिव्यू के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कटी पहाड़ी पर और हम लोग मौजूद हैं औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन में आज हम लोग ढूंढने हैं कराची का सबसे सस्ता जिम। अब सबसे सस्ता जिम कराची में कहाँ मिलेगा भाई? हमने बहुत ढूंढा और ऐसे जिम की तलाश निकाली, ऐसे जिम को खोजा जिसकी महीने की फीस सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये है। 250 रुपये में जिम हमारे कराची में भी मिलता है भाईजान। आगे चलते हैं, इकबाल मार्केट की तरफ जाना है ना आलम भाई। चलो भाई, कराची का जो सबसे सस्ता जिम है ना, फैसल फिटनेस औरंगी टाउन 5 में, ये उसका रास्ता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ना रेगुलर फुटफॉल जो है, यानी कि रोज़ाना जो लोग आते हैं ना, 1000 से ज़्यादा आते हैं और ये 1000 गज से ज़्यादा स्पेस पे बना हुआ है। तो करीब करीब 150-200 इसके अंदर मशीनें, सीधा सीधा 8-10 तो पुल डाउन है इनके पास, 5-6 बटरफ्लाई हैं, 8-10 इनके पास 4-5 लेग प्रेस हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ चीधा चीधा सामान जिनका हमें मालूम है। ये उसकी एंट्रेंस है, आओ जी आपको हम दिखाते हैं। अच्छा भाई, इस सबसे सस्ते पाकिस्तान की इवन सबसे सस्ते जिम में जो इक्विपमेंट है ना, वो भी आज के नए मॉडल का ही इक्विपमेंट है। यहाँ पर सब ब्रांड न्यू, ऐसा नहीं है कोई कुछ के भाई कोई पुराना इक्विपमेंट डाला हो ना बाबा। आप यहाँ आएँ, शौक से करें इक्विपमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट्स वगैरह आपके साथ जो चल रहे हैं ना, सारा ये ब्रांड न्यू है। ये पीछे बच्चे हमारे सारे लगे हुए हैं इस वक्त, असल में आज यहाँ पर लाइट नहीं है, उसके बाद भी जिम माशाल्लाह से ये फुल है। 250 रुपये इसकी फ़ीस, 50 रुपये एंट्री फीस, यानी 300 रुपये शाम 5 से रात 1 बजे तक इनकी टाइमिंग है, मॉर्निंग की भी टाइमिंग है। और इस तरह क्या बताऊँ मैं आपको, और यार ये जिम नहीं है, ये भी मैं कहता हूँ अपने आप अपने अंदर ही एक स्टोरी है। अनिल भाई क्या कर रहे हो यार, हड्डी पसली टूट जाएगी। अबे मैं दिखाना चाह रहा था, शॉर्ट बनवाना चाह रहा था कि मतलब इस 250 रुपये में ना ये क्रॉस फिट एरिया और ये कार्डियो का एरिया भी है इसके अंदर। अबे और क्या चाहिए, मतलब हमने अब ऐसा भी जिम लोगों को निकाल के दिखा दिया यार कि जिसकी सिर्फ फीस ही इतनी है। अजन ये जो क्रॉसओवर रखी हुई है ना, मेरे भी जिम में यही क्रॉसओवर है, ठीक है। ये इस वक्त का करंटली पाकिस्तान मेड जो है, ये इस वक्त का करंटली जो है ना, ये सबसे अच्छा मॉडल जा रहा है। एडजस्टेबल क्रॉसओवर है, देखिए जी, एडजस्टेबल अपर लोअर सेंटर सारे इससे सेट लग जाते हैं, और इतनी सी फीस में एडजस्टेबल क्रॉसओवर। वैसे किसी अच्छे जिम में क्रॉसओवर इतनी अच्छी नहीं होती, यहाँ ये प्रॉपर एक क्रॉसओवर दिखा, दो क्रॉसओवर, उसके बराबर में तीसरी क्रॉसओवर, ढूंढने को आएंगे वो चौथी क्रॉसओवर। आइए ज़रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वाप भाई? वाप भाई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे KU के बड़े शानदार UBIT के स्टूडेंट हैं, ये उन्हीं का ही जिम है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, कंप्यूटर CS कंप्यूटर साइंसेस इंजीनियरिंग कर चुके हैं सर। जी जी, डन हो गई जी, 18 से 22 के बैच का था, 18 से 22 के बैच के जी। वाप भाई, इतना सस्ता जिम पूरी पाकिस्तान में ढूंढने को जाएं तो नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाए तो ऐसा इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, कैसे आइडिया आया सर, क्या क्या सोच है? बेसिकली ये अब्बू की थिंकिंग की थी कि हमारा जिम रहेगा, एक तो बड़ा रहेगा, ठीक है। दूसरा हम फीस कम से कम रखेंगे ताकि हर इंसान को आसानी हो जाए, क्योंकि फिटनेस और ये बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, लोग करना चाहते तो परेशान हो जाते हैं। ये सोच को रखते हुए अब्बू ने, और फिर यानी कि जो भी जिम मेंबर यानी कि जिम की जितने भी संभालते हैं, उन्होंने ये सोचा कि भाई फीस हम ऐसे रखेंगे ताकि हर कोई आ सके और आसानी से कर सके। हाँ भाई, मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बोला है कि इस जिम में फुटफॉल माशाल्लाह से 1000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं, मैंने सही बोला है? जी तकरीबन ऐसे 800 हज़ार ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो सीज़न के हिसाब से आप समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा बॉस, ये बात बताइएगा कि इस जिम को संभालने के लिए कितने लोग हैं आप लोग टोटल? वैसे हम लोग चार बंदे हैं, एक भाई है, बड़े भाई हैं मेरे, एक बहनोई हैं, अब्बू हैं और मैं। मतलब इस जिम को संभालने के लिए फुटफॉल के हिसाब से
इस जिम को संभालने के लिए चार लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये इतने स्पेस है, मतलब इतनी बड़ी जगह भी है, इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा है। अभी जब हमारी फैसल साहब से बात हो रही थी, फैसल साहब ओनर हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं, उनसे जब बात हो रही थी, वो कह रहे हैं यार मेरा तो दिल कर रहा है मैं और भी सामान ला के डाल दूँ। फिर हम लोग एकदम चौंके, भाई कहाँ रखेंगे? बोले मेरा काम है, मैं जहाँ भी एडजस्ट करूँगा, इतना सामान है। अच्छा उसके बाद भी फीस नहीं बढ़ती, इतनी ही रहती। यार वैसे तोहफा नहीं है साइम रंगी टाउन वालों के लिए, ये 250 में कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा भाई ये एक बात बताऊँ, इसमें ट्रेडमिल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, साइकिल्स भी हैं। इसके ट्रेडमिल वगैरह के चार्जेस हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है तो ट्रेडमिल के ये लोग अलग चार्ज करते हैं। बाकी अगर आपको प्रोटीन वगैरह लेने हो तो मैं ऐसे नीचे होता हूँ तो पीछे पूरे प्रोटीन्स वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। भाई ग्लव्स भी मिलेंगे, ग्लव्स भी मिलेंगे आपको यहाँ से। मतलब आपको और क्या चाहिए? ऑल इन वन पैकेज, सबसे सस्ता पैकेज। दिखाओ ना यार इनका ज़रा, ट्रेडमिल साइकिल। यार वैसे अब भी कोई अगर जिम नहीं जा रहा ना तो हम इससे सस्ता और नहीं निकाल सकते भाई। भाई इधर बाहर लिखा हुआ है, तमाम मोटरसाइकिल हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी मोटरसाइकिल को दीवार या शटर के साथ कतार में खड़ी करें। अभी जब हमारी वहाब से बात हो रही थी तो वहाब भाई बता रहे थे यार अहमद भाई माशाल्लाह से इतनी बाइकें होती ना गली के एंड तक चली जाती हैं, और यहाँ पे रात के 10 बजे तक ना बोलता है मतलब घबराहट सी होना शुरू हो जाती है, इतना माशाल्लाह से लड़का इनके पास आता है। भाई ये हमारे कराची का सबसे सस्ता जिम, इक्विपमेंट भी बहुत मज़ेदार, ट्रेनर भी बहुत अच्छे उस्तादों के उस्ताद हैं। मैंने उनसे मिलवाया नहीं, वो चुके थोड़े सीनियर हैं तो बात करने में थोड़ी हमें भी घबराहट होती है। औरंगी टाउन से ये जिम आप लोग के लिए, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची के चांडियों की एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।